हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पोकन इंग्लिश में हैव और हैज का यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हैव और हैज क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। यूज ऑफ हैव हैज इन कॉन्वर्सेशन। यूज ऑफ हैज एंड हैव इन कॉन्वर्सेशन। हैव की मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैव? हैव की पहली मीनिंग होती है पजेशन, सेकेंड मीनिंग होती है ओनरशिप, थर्ड मीनिंग होती है रिलेशनशिप। जब इंग्लिश स्पीकिंग में या बोलचाल की भाषा में इस तरह की बात आती है कि हम रखने का अधिकार की बात करते हैं, रखने का अधिकार, किसी चीज पर मेरा अधिकार है, यानी मैं उस चीज को धारण करता हूं, राइट? जैसे ये शर्ट है, इस शर्ट पे मेरा अधिकार है, यानी मैंने शर्ट पहन रखी है, मैंने शर्ट खरीदी है और इसको मैंने पहन ली, ये क्या है, मेरा इस शर्ट पर अधिकार है। सेकेंड, ओनरशिप, किसी चीज का मालिक हूं मैं। जैसे मेरे पास एक घर है तो हम सेंटेंस बोल सकते हैं आई हैव अ हाउस। ओनरशिप मीन्स होता है मालिकाना हक। थर्ड है रिलेशन, रिलेशनशिप यानी संबंध। जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की है या कोई व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि वह मेरा भाई है, तो मैं अपना संबंध उससे बता रहा हूं, या मेरे पास एक भाई है तो आई हैव अ ब्रदर, राइट? आई हैव अ ब्रदर, यानी कि मेरा मेरे भाई से एक संबंध है और उस संबंध को हैव से या हैज से बताया जाता है। जब हम हैव का यूज करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट में आई वी यू दे का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम हैज का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में ही शी और इट का यूज किया जाता है, ही शी इट। फिर से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, जब हमारा हैव वर्ड यूज किया जाता है तो हम आई वी यू दे वर्ड के साथ, यानी हैव वर्ड के साथ यूज करते हैं, और ही शी इट के साथ हैज वर्ड यूज करते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है स्टूडेंट्स? बिकॉज हैव को इंग्लिश स्पीकिंग में प्लूरल माना जाता है और हैज को सिंगुलर माना जाता है। अब हम सेंटेंस कैसे बनाने हैं उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, ओके? सबसे पहले हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर सीखेंगे। सेंटेंस बनाया जब जाता है तो उस समय हम लोग स्पीकिंग जो भी करते हैं स्टूडेंट्स, या तो हम पॉजिटिव बोलते हैं और नेगेटिव स्पीकिंग करते हैं और इंटरोगेटिव स्पीकिंग करते हैं। इंटरोगेटिव मींस हम प्रश्न करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम हैव से पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, यानी कि हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, करेक्ट? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नाउन, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बाद हैव हैज लिखा जाता है, आफ्टर दैट नाउन आता है, करेक्ट? राइट? इसी स्ट्रक्चर को हम एक बार और लिख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस कर्ता होता है, वर्ब मींस क्रिया होता है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म यहां पर नाउन है, करेक्ट? अब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे जो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ओके? मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। उसकी दो बहनें हैं, He has
सिस्टर्स, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन, उसके पिताजी के पास एक फार्म हाउस है, हिज फादर हैज अ फार्म हाउस, हिज फादर हैज अ फार्म हाउस। ये सेंटेंसेस डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं स्टूडेंट्स, राइट? ओके, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हैव स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नाउन। आप देखोगे कि लाइक ब्रदर, ये हमारा नाउन है, पेन ये भी नाउन है, सिस्टर्स ये भी नाउन है, कार ये भी नाउन है, पेन ये भी नाउन है, अ फार्म हाउस ये भी हमारा नाउन है, राइट? अगर हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम चेंज करते हैं। अब हम वो सीखेंगे, करेक्ट? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस नाउन। इस स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। एक बार हम इसे फिर से पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैव और हैज प्लस नॉट प्लस नाउन, करेक्ट? अगेन, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नॉट प्लस नाउन, करेक्ट? उसके पास एक कार नहीं है, ही हैज नो कार। हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को दो तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। हम नो वर्ड का यूज नाउन से पहले किया जाता है, जैसे हमने यहां नॉट लिखा, लेकिन अगर हमें नॉट का यूज ना करना हो तो हम नो से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर हमें नॉट से बनाना हो तो हमें लिखना पड़ेगा ही हैज नो, ही हैज नॉट एनी कार, ही हैज नॉट एनी कार। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर टू आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ही हैज नॉट एनी कार, करेक्ट? एनी डाउट? इसी सेंटेंस को हम तीसरे तरीके से ही बना सकते हैं, ही डज नॉट हैव एनी कार। यानी कि नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने का, आई हैव अ कार, अगर ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होता, तो आई हैव नो कार, आई हैव नॉट एनी कार, या आई डू नॉट हैव एनी कार हम लिख सकते हैं। जैसे अगर इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो ही हैज अ कार, नेगेटिव होगा ही हैज नो कार, तीसरा नेगेटिव ही हैज नॉट एनी कार, और लास्ट ऑप्शन है ही डज नॉट हैव एनी कार, राइट? इस स्ट्रक्चर से हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे उसके पास कोई पेन नहीं है, ही हैज नो पेन, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, ही हैज नॉट एनी, उसके पास कोई भी पेन नहीं है। थर्ड ऑप्शन, ही डज नॉट हैव एनी पेन। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम नॉट वर्ड का भी यूज करते हैं और नो वर्ड का भी यूज करके हम नाउन के पहले
नो वर्ड का यूज करके भी इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, करेक्ट। अब हम तीसरा स्ट्रक्चर सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा स्ट्रक्चर सीखेंगे, राइट। जब हम तीसरा स्ट्रक्चर सीखेंगे स्टूडेंट, तो हमें हैव और हैज को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यानी हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नाउन, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, करेक्ट। सपोज मैं अगर क्वेश्चन करता हूं, क्या आपके पास एक कंप्यूटर है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, हैव यू अ कंप्यूटर। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम यस नो टाइप इंटरोगेटिव या क्वेश्चन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि अगर हम आपसे पूछते हैं हैव यू अ कंप्यूटर, तो अगर आप इसका पॉजिटिव आंसर दोगे तो आपको बोलना पड़ेगा यस आई हैव अ कंप्यूटर, हाँ मेरे पास एक कंप्यूटर है। अगर आप इसका नेगेटिव आंसर देते हो तो आप बोल सकते हो नो आई डू नॉट हैव एनी कंप्यूटर, I do not have any computer। यानी कि interrogative sentence के support से हम yes no type question structure बनाते हैं, और इस तरह के interrogative structure में हमें जो answer दिया जाता है सामने वाले को, वो yes या no से भी answer दे सकते हैं। हम कुछ और examples देखते हैं। क्या तुम्हारे पास दो बहने हैं, हैव यू टू सिस्टर्स, हैव यू टू सिस्टर्स। क्या तुम्हारे पास कार है, हैव यू अ कार। क्या तुम्हारे पास अनुभव है, हैव यू एक्सपीरियंस। क्या तुम्हारे पास पांच टॉफियां हैं, हैव यू फाइव टॉफीज। क्या तुम्हारे पास 50 रुपया है, हैव यू 50 रुपीज। इस तरह से सेंटेंसेस हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है जिसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर हम इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होती है, करेक्ट। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्ट्रक्चर को बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यू कैन नॉट इंजॉय दिस स्ट्रक्चर। यानी कि आपको इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं आपको एक बोल के एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, इसी का हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलना चाहिए, आई हैव नो कार। और सेकंड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव एनी कार, और चौथा ऑप्शन है आई हैव नॉट एनी कार। इसी का फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहिए, Have you a car? और अगर हम थर्ड पर्सन के लिए बोलते हैं Has she a car? करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रक्चर में हम एक और चीज सीखने जा रहे हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं।
स्टूडेंट्स हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस नाउन. अगर हमें नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज करना है या करना पड़ता है तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं. जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. यानी एडजेक्टिव और नाउन को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं. जब भी एडजेक्टिव आएगा इस तरह के स्ट्रक्चर में तो उसको नाउन से पहले लिखा जाता है. ओके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. उसकी एक खूबसूरत कार है. ही हैज अ ब्यूटिफुल कार. उसके पास एक खूबसूरत कार है या उसकी एक खूबसूरत कार है, दोनों का मीनिंग एक ही होगा. ही हैज अ ब्यूटिफुल कार. करेक्ट. उसका बेटा ईमानदार है या उसके पास एक ईमानदार बेटा है. ही हैज अ ऑनेस्ट सन. ही हैज अ ऑनेस्ट सन. मेरा कमरा बड़ा खूबसूरत है या मेरे पास एक खूबसूरत कमरा है. आई हैव अ ब्यूटिफुल रूम. आई हैव अ ब्यूटिफुल रूम. करेक्ट. उसका एक अच्छा दोस्त है. ही हैज अ गुड फ्रेंड. उसके पास एक अच्छा दोस्त है. ही हैज अ गुड फ्रेंड. ब्यूटिफुल ऑनेस्ट ब्यूटिफुल गुड. ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं. यानी कि हम इस स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव को लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट. एनी डाउट. मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप है. आई हैव अ गुड लैपटॉप. राइट. मेरे पास एक अच्छी ड्रेस है. आई हैव अ गुड ड्रेस और अ नाइस ड्रेस. उसके पास एक शक्ति है. ही हैज पावर. ही हैज पावर. उसके पास शक्ति है. इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज हमने नहीं किया है, सीधे हमने नाउन वर्ड का यूज किया है. एनी डाउट. तो हम स्टूडेंट्स इंग्लिश अच्छी करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज बार बार करेंगे और आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी. आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू.